छात्र कक्षा 12वीं के सामर्थ्य विषय के तहत वही खाता हम अध्याय यहाँ पर 6.1 अध्याय 6 के अंतर्गत हम साझेदारी फर्म का विघटन या साझेदारी का समापन आज इसके बारे में जानेंगे हम कि एक साझेदारी फर्म का विघटन या समापन क्या कहलाता है। अभी इसके पहले हमने देखा था कि जब एक फर्म में जो साझेदार होते हैं उन साझेदारों के बीच में से यदि कोई साझेदार चला जाता है या कोई नया साझेदार आता है या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, अवकाश ग्रहण करता है, तो इस स्थिति में जो है साझेदारी फर्म के अंतर्गत जो उनका अनुबंध होता है उन साझेदारों के बीच का, वो अनुबंध क्या होता है, समाप्त हो जाता है और फिर साझेदारी फर्म का फिर से पुनर्गठन होता है और इस स्थिति में यहाँ पर जो है व्यवसाय चालू रहता है। तो ये जो है साझेदारी का विघटन होता है। दूसरा जो बिंदु है इसमें जिस पे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, साझेदारी फर्म का विघटन अर्थात फर्म का समापन। तो यहाँ हम देखेंगे कि जब हम साझेदारी का विघटन होता है तो शेष साझेदार के बीच में जो है नया अनुबंध बन जाता है, यहाँ पर पुनर्गठन होता है और व्यवसाय जो है उसी रूप में चालू रहता है। जबकि जब फर्म का विघटन होता है तो यहाँ पर जो है सभी साझेदारों के बीच में जो भी आपसी अनुबंध हैं वो कम्प्लीटली समाप्त हो जाते हैं और जो व्यवसाय है वो व्यवसाय भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो है जब भी साझेदारों के बीच में अनुबंध क्या होता है, रद्द होता है, तो उससे क्या है फर्म का पुनर्गठन होता है और पुराने जो साझेदार है वो मिलकर व्यवसाय को संचालित करते रहते हैं, वो साझेदारी का विघटन है। और जब फर्म का विघटन होता है इस स्थिति में सभी साझेदारों के बीच में आपसी जो संबंध है वो क्या होते हैं, समाप्त तो हो जाते हैं और व्यवसाय का जो व्यवसाय है वो भी क्या होता है, समाप्त तो हो जाता है। तो यहाँ पर हम विशेष रूप से देखेंगे विघटन से जुड़ी हुई परिभाषा, साझेदारी फर्म की विघटन की परिभाषा क्या है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की 39 के अनुसार धारा के अनुसार फर्म के विघटन का आशय जो है फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी के समापन से है। यहाँ पर क्या है, अनुबंध पूर्णतः समाप्त हुआ, अनुबंध जो है पूर्णतः समाप्त हो जाता है सभी साझेदारों के बीच में। तो जितने भी साझेदार हैं उन सभी साझेदारों के बीच में पूर्ण रूप से अनुबंध जो है समाप्त हो जाता है और तब इस स्थिति में यहाँ पर जो है फर्म का विघटन होता है। तो यहाँ पर जब फर्म का व्यापार समाप्त हो जाता है तो इसे फर्म का अंत या विघटन माना जाता है, अर्थात जब फर्म का कम्प्लीटली व्यवसाय क्लोज हो जाए, बंद हो जाए, तो ये जो है फर्म का अंत या समापन माना जाता है। यहाँ सभी साझेदारों को फर्म के ना चलाने का निर्णय लें या साझेदारों की संख्या घटकर केवल एक रह जाए तो फर्म का विघटन हो जाता है। फर्म के विघटन के परिणाम स्वरूप फर्म का जो है अस्तित्व क्या होता है, समाप्त तो हो जाता है। तो जो फर्म का विघटन जो अस्तित्व है वो क्या है, विघटन के स्वरूप क्या हो जाता है, समाप्त तो हो जाता है। ये किस स्थिति में, जबकि व्यवसाय बंद हो गया या सभी साझेदारों ने मिलकर आपस में फर्म को ना चलाने का निर्णय, साझेदारों की संख्या जो है घटकर केवल एक रह जाए, तो इस स्थिति में फर्म का क्या होगा, विघटन हो जाएगा, फर्म का समापन हो जाएगा, फर्म का अस्तित्व कम्प्लीटली समाप्त हो जाएगा। ये जो है साझेदारी फर्म का विघटन या समापन। यहाँ हम देखेंगे कि विघटन या समापन के जो कारण, किन कारणों से विघटन या समापन होता है। तो नंबर एक है, जब समस्त साझेदार फर्म के विघटन के लिए सहमत हो जाएं। सभी साझेदार मान लीजिए यहाँ पर जो है ए बी सी, सभी लोग जो है मिलकर आपस में ये तय करते हैं कि अब हमें फर्म के द्वारा जो व्यवसाय संचालित किया जा रहा है उस व्यवसाय को हम बंद करते, क्लोज करते। तो सभी साझेदार मिलकर जब फर्म के विघटन के लिए सहमत हो जाएं। दूसरा, जब एक साझेदार को छोड़कर समस्त साझेदार दिवालिया घोषित हो जाएं, उनकी संपत्तियों का मूल्य उनके दायित्वों से मूल्य से क्या हो जाए, कम हो जाए। तो यहाँ पर जब एक साझेदार को छोड़कर बाकी सभी साझेदार दिवालिया घोषित हो जाएं, न्यायालय की प्रक्रिया के द्वारा
उनको दिवालिया होने का एक पत्र दिया जाता है, तब उस स्थिति में वो दिवालिया माने जाते हैं। तो यहाँ पर जब एक साझेदार को छोड़कर बाकी समस्त साझेदार दिवालिया घोषित हो जाएं, फिर निश्चित अवधि या उद्देश्य के पूरा होने के कारण फर्म के द्वारा जो व्यवसाय संचालित किया जा रहा था, जो साझेदारी संचालित की जा रही थी, वो किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर की जा रही थी। तो जब वो उद्देश्य पूरा हो गया या वो निश्चित समय पूरा हो गया, तब उस स्थिति में भी फर्म क्या हो जाती, समाप्त हो जाती। सभी साझेदारों के बीच में अनुबंध जो है क्या हो जाते, समाप्त हो जाते। फिर जब फर्म का व्यवसाय अवैधानिक घोषित हो गया हो, फर्म के द्वारा कोई ऐसा व्यवसाय किया जा रहा जो कानूनी रूप से मान्य न हो, अवैधानिक हो गया हो, तब इस स्थिति में भी जो है व्यवसाय के समाप्त होने पर साझेदारी फर्म का समापन यहाँ पर हो जाता है। अगली स्थिति है जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए, पागल हो जाए, स्थायी रूप से अयोग्य हो जाए या दुराचरण का दोषी सिद्ध हो जाए, फर्म से कपट दोषी हो जाए या फर्म से इस्तीफा दे दे। तो यहाँ पर जब किसी साझेदार की कोई मृत्यु हो जाती है या कोई साझेदार पागल हो जाता है या स्थायी रूप से जो है कोई अयोग्य हो जाए या किसी ऐसे दुराचरण या कपट के मामले में फंसा हुआ है और या फर्म से इस्तीफा दे दे, तो इन स्थितियों में भी जो है सभी साझेदार चाहें तो मिलकर फर्म का समापन कर सकते हैं। अंतिम बिंदु यहाँ पर, जब कोई फर्म का संचालन हानि के अलावा संभव नहीं हो, अर्थात जो फर्म कार्य कर रही है उसमें सिर्फ हानि ही हानि होती जा रही है, लाभ की कहीं कोई संभावना कुछ नहीं, तो हानि ही अधिक मात्रा में हो रही, तब इस स्थिति में भी फर्म के द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय को समाप्त किया जा सकता है। और अंतिम जो है, जब न्यायालय फर्म को किसी कारण से भंग में जो है, जब इस कोई बात प्रस्तुत होने पर न्यायालय जो है फर्म के खिलाफ डिसीजन दे दे या फर्म को बंद करने का आदेश दे दे, तो इस कारण से भी फर्म का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके आधार पर हम ये मानते हैं कि एक साझेदारी फर्म का जो है या उसका विघटन जो है, समापन जो है, वो इन कारणों से हो सकता है। अब यहाँ पर विधियाँ हैं कुछ कि फर्म के विघटन या समापन की विधियाँ कौन कौन सी। नंबर एक जो है समझौते द्वारा समापन, धारा 40 के अनुसार आपसी समझौते से समापन कर सकते हैं जितने भी साझेदार हैं। सभी साझेदार जो है धारा 40 के अंतर्गत 1932 की साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 40 के अनुसार जो है आपसी समझौते से समापन कर लेते हैं। फिर अगला बिंदु जो है अनिवार्य समापन। अनिवार्य समापन जो है ये एक प्रकार का पार्टन की यहाँ पर जो है, यहाँ पर अनिवार्य हो गया कि अब इस स्थिति में आके जो है हमें फर्म को समाप्त करना ही होगा। तो वो स्थितियाँ जब एक साझेदार को छोड़कर सभी साझेदार दिवालिया घोषित हो जाएं, जब किसी घटना के होने से व्यवसाय जो है अवैधानिक घोषित हो जाए या किसी घटना के घटित होने से साझेदारी अवैधानिक घोषित हो जाए, तो ये अनिवार्य समापन है। इसमें जब एक साझेदार को छोड़कर बाकी सभी साझेदार दिवालिया हो जाएं या कोई ऐसी विशेष घटना घट गई जिसके कारण जो है व्यवसाय कानूनी रूप से अमान्य हो गया, अवैधानिक हो गया, या फिर किसी कोई ऐसी घटना घट गई जिससे साझेदारी जो है, संगठन जो है, वो क्या हो गया, अवैधानिक हो गया, तो इस स्थिति में अनिवार्य समापन हो जाता है। तीसरा जो है संयोग द्वारा समापन, ये धारा 42 के अनुसार कि फर्म का गठन जब एक निश्चित अवधि के लिए किया गया है, अर्थात निश्चित समय के लिए, एक साल के लिए, दो साल के लिए, तीन साल या पाँच साल, या कोई एक निश्चित निर्धारित अवधि तय कर ली गई, जब अवधि पूर्ण हो जाती है तो समय पूर्ण पूरा होने पर समय पूरा होने पर जो है समापन होता है, समापन हो जाता है। फिर कोई विशेष कार्य को पूरा करने के लिए फर्म की स्थापना की गई, किसी विशेष उद्देश्य को लेकर, किसी विशेष लक्ष्य को लेकर, कोई विशेष कार्य को लेकर जो है फर्म की हमने स्थापना की है। फिर साझेदारी की मृत्यु होने पर या दिवालिया हो जाने पर फर्म का समापन हो जाता है। यदि कोई साझेदार की मृत्यु हो गई या दिवालिया हो गए, इस स्थिति में जो है संयोग द्वारा समापन, संयोग द्वारा इसलिए कि ये
बस्तियां जो है पहले से कभी कभी रह रहे थे। तो यहाँ संयुक्त द्वारा समापन जो है जब एक निश्चित अवधि के लिए फर्म की स्थापना की गई है, दूसरा जबकि किसी निश्चित उद्देश्य के लिए फर्म की स्थापना की गई है, तीसरा जबकि किसी साझेदार की मृत्यु हो गई या दिवालिया हो जाने पर फर्म का समापन किया जाता है। फिर है सूचना द्वारा समापन 43 का। सूचना देकर, जानकारी देकर यदि साझेदारी ऐच्छिक है, अपनी इच्छा अनुसार, कभी भी कोई साझेदार जो है अपनी इच्छा से फर्म से अलग हो सकता है, तो यदि साझेदारी ऐच्छिक है तो कोई भी साझेदार जो है लिखित रूप में फर्म को भंग करने की सूचना अन्य साझेदारों को दे तो फर्म का समापन हम माना जाता है। तो ये साझेदारी क्या है, साझेदारों की इच्छा पर निर्भर करती है कि वो जब तक चाहें फर्म को संचालित करते हैं, जिस दिन चाहते हैं वो फर्म को भंग कर सकते हैं। इसकी सूचना जो है अन्य साझेदारों को उसको देना होता है। तो यह है सूचना द्वारा समापन धारा 43 का। फिर पांचवा जो है न्यायालय द्वारा समापन धारा 44 के अंतर्गत। जब यहाँ पर न्यायालय के द्वारा फर्म को समाप्त करने या फर्म के समापन या विघटन के जो है आदेश दिए जाते हैं, तो इसमें जो है किसी साझेदार द्वारा बात प्रस्तुत करने पर न्यायालय फर्म के समापन का आदेश दे सकता है। वही स्थितियां किसी साझेदार के पागल होने पर, किसी साझेदार के स्थायी रूप से अयोग्य होने पर, फिर किसी साझेदार के दुराचारी या देशद्रोही होने पर, फिर समझौते के विपरीत कार्य करने पर, आपस में जो समझौता हुआ उस समझौते से विपरीत यदि कोई साझेदार ऐसा कोई कार्य करता है जिससे कि फर्म को या उपक्रम को नुकसान होता है, तो उस स्थिति में जो है यहाँ पर न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जा सकता है समाप्त करने का। फिर व्यवसाय में स्थायी रूप से हानि होने पर, यदि व्यवसाय में लगातार हानि हो रही है, लाभ की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, तो इस स्थिति में भी जो है फर्म का समापन किया जाता है। फिर अंतिम बिंदु है जब न्यायिक दृष्टि से फर्म को भंग करना उचित हो, अर्थात कोर्ट या न्यायालय या ये मानती है कि अब इस स्थिति में यदि फर्म कार्य करती है तो उससे जो है नुकसान होगा, इस स्थिति में न्यायालय जो है फर्म को भंग करने का, समाप्त करने का आदेश दे देती है, तो ये है न्यायालय द्वारा समापन। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने देखा कि जो है एक साझेदारी फर्म का जो विघटन है, समापन जो है किन किन स्थितियों में हो सकता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि विघटन एवं साझेदारी के विघटन और फर्म के विघटन में अंतर क्या है। बेसिकली सामान्य तौर पर हम साझेदारी के समापन को जो है फर्म का समापन मान लेते हैं, ये दोनों अलग अलग है। तो यहाँ हम देखते हैं साझेदारी फर्म का समापन, फर्म का, और यहाँ साझेदारी का समापन। सबसे पहला आधार जो है व्यवसाय की समाप्ति। तो साझेदारी फर्म का जब समापन होता है तो इससे क्या है, व्यवसाय टोटली बंद हो जाता है, व्यवसाय जो है क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जबकि साझेदारी के समापन में व्यवसाय बंद नहीं होता, साझेदारों के बीच में अनुबंध समाप्त हो जाता है, पुनः जो बचे हुए से साझेदार हैं उनके बीच में पुनः नया अनुबंध तैयार होता है और व्यवसाय जो है वो यथावत रूप से चलता रहता। तो यहाँ जो है व्यवसाय बंद नहीं होता समापन में, जबकि टोटल व्यवसाय क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। दूसरा बिंदु जो है अनिवार्यता। फर्म के समापन से साझेदारी भी अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाती है। स्वाभाविक है कि जब व्यवसाय समाप्त तो उस व्यवसाय को संचालित करने वाले साझेदारों के बीच में जो आपसी संबंध है वो भी क्या हो गए, खत्म हो गए, समाप्त हो गए। तो फर्म के समापन से साझेदारी भी अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाती है। फिर साझेदारी के समापन पर फर्म का समापन अनिवार्य नहीं है, क्यों, क्योंकि बाकी साझेदार मिलके जो हैं वो फर्म को संचालित कर रहे हैं। तो जब साझेदारी का समापन होता है तो वो फर्म का समापन नहीं कहलाता, क्यों, क्योंकि व्यवसाय आगे संचालित हो रहा है। फिर आपसी संबंध, जब फर्म का समापन होता है तो सभी साझेदारों के आपसी संबंध टूट जाते हैं, सभी साझेदारों के बीच में आपसी संबंध क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसी संबंधों का विच्छेद नहीं होता, जितने बचे हुए साझेदार हैं, जो साझेदार बचे हुए हैं उनके बीच में आपसी संबंध बने रहते हैं।
फिर विघटन का कारण, विघटन जो है विभिन्न कारण हमने जो देखे अभी, ऐच्छिक समापन, संयोग द्वारा, न्यायालय द्वारा, विभिन्न जो कारण देखे हमने, धर्म का जो समापन है उन विभिन्न कारणों से हो सकता है। जबकि साझेदारी का जो समापन है, एक साझेदार के रिटायर होने पर, निवृत्त होने पर, दिवालिया होने पर, मृत्यु या अवकाश ग्रहण या अयोग्य होने पर जो है साझेदारी का समापन होता है। फिर संपत्तियों दायित्वों का निपटारा जो है, यहाँ पर जो है ये इम्पोर्टेंट, वसूली खाता बनाया जाता है। जब संपत्ति और दायित्वों का हम यहाँ पर निपटारा करते हैं तो साझेदारी फर्म का जब समापन होता है तो वसूली खाते के माध्यम से जो है संपत्ति और दायित्व को देखा करते हैं। जबकि यहाँ पर जो है दायित्व का पुनर्मूल्यांकन होता है तो यहाँ हम बनाते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। यहाँ पर जो है हम पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करते हैं, संपत्ति और दायित्व को यहाँ हम फिर से पुनर्मूल्यांकित करते हैं और पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करते हैं। फिर लेखांकन प्रक्रिया, वसूली खाता खोला जाता है तथा वसूली पर लाभ हानि ज्ञात की जाती है। यहाँ पर जो है संपत्तियों और दायित्वों के लिए हम वसूली खाता खोलते हैं और उससे हम लाभ और हानि को ज्ञात करते हैं। यहाँ पुनर्मूल्यांकन खाता खोला जाता है पुनर्मूल्यांकन पर लाभ और हानि ज्ञात करने के लिए। तो वसूली खाता जो है वो एक बार बनता है जब फर्म का समापन होता है, तब वो बनाया जाता है वसूली खाता। और जो यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाता जो है, जब अनुबंध किसी भी प्रकार से जब समाप्त होता है, साझेदारों के बीच में नए संबंध तय होते हैं, तब वहाँ वहाँ तब हम पुनर्मूल्यांकन खाता खोलते हैं। तो ये जो है साझेदारी का विघटन और फर्म के विघटन में अंतर यहाँ हमने देखा। प्रश्न है, साझेदारी फर्म के समापन से क्या आशय है, समझाइए। साझेदारी फर्म का विघटन क्या है या उसका समापन क्या कहलाता है, इसकी परिभाषा क्या है, ये देना है। दूसरा, आपको साझेदारी फर्म के विघटन या समापन के कारण, किन कारणों से एक फर्म का विघटन होता है या समापन होता है, उसको आपको बताना है यहाँ। और समापन की कौन कौन सी विधियाँ हैं, किस किस प्रकार से फर्म का समापन हो सकता है, इसको आपको स्पष्ट रूप से समझाना है।